स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम यह देखेंगे कि बोरॉन अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से किस तरह से डिफर करता है, या फिर कहें कि इस वीडियो में हम बोरॉन के एनोमलस बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे। बोरॉन ग्रुप 13 में सबसे ऊपर होता है, जिसके कारण बोरॉन एटम का साइज सबसे कम होता है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काफी ज्यादा होती है। यदि हम बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो बोरॉन एटम में डी सबसेल एब्सेंट होते हैं, जिसके कारण यह अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता है। और इन्हीं तीनों मेजर रीजंस के कारण ही बोरॉन अपने ग्रुप के बाकी एलिमेंट से कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। और ग्रुप 14 में प्रेजेंट डायगोनली अपोजिट एलिमेंट सिलिकन के साथ कुछ सिमिलरिटीज शो करता है, जिसे हम डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं। तो बोरॉन को एल्युमिनियम से कंपेयर करके देखते हैं कि बोरॉन अपने ग्रुप से किस तरह से डिफर करता है। यदि हम बोरॉन की बात करें तो बोरॉन ग्रुप 13 में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल होता है, वहीं एल्युमिनियम और बाकी एलिमेंट्स मेटालिक नेचर शो करते हैं। ग्रुप 13 में बोरॉन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो एलोट्रॉपी शो करता है, यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि B8, B10 और B12 फॉर्म। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट ग्रुप में सबसे ज्यादा होता है, जो कि अराउंड 2200 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं एल्युमिनियम का मेल्टिंग पॉइंट काफी कम होता है, जो कि 660 डिग्री सेल्सियस होता है। बोरॉन के एटम में डी सबसेल प्रेजेंट नहीं होता है, जिसके कारण यह अपना ऑक्टेट एक्सपेंड नहीं कर सकता, या फिर कहें यह मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड ही बना सकता है। वहीं एल्युमिनियम में डी सबसेल प्रेजेंट होता है, जिसके कारण यह अपना ऑक्टेट एक्सपेंड करके 6 कोवेलेंसी वाले कंपाउंड्स फॉर्म कर सकता है। बोरॉन के हाइड्राइड्स काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं, वहीं एल्युमिनियम और बाकी एलिमेंट्स के हाइड्राइड्स काफी अनस्टेबल होते हैं। बोरॉन केवल कोवेलेंट कंपाउंड ही फॉर्म करता है, वहीं एल्युमिनियम कोवेलेंट के साथ साथ आयनिक कंपाउंड भी बनाता है, जैसे कि AlF3 जो कि एक आयनिक कंपाउंड है, वहीं AlCl3 जो कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है। चलिए अब हम देखते हैं कि बोरॉन सिलिकन के साथ किस तरह से सिमिलरिटी शो करता है, या फिर कहें सिलिकन के साथ डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो करता है। तो अगर हम बोरॉन और सिलिकन की बात करें तो दोनों ही नॉन मेटल्स होते हैं और दोनों का ही मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है। बोरॉन का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 2200 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं सिलिकन का मेल्टिंग पॉइंट अराउंड 1400 डिग्री सेल्सियस होता है। यदि हम बोरॉन और सिलिकन दोनों के ऑक्साइड्स की बात करें तो ये दोनों एसिडिक नेचर के होते हैं। इसको हम NaOH की रिएक्शन की हेल्प से समझ सकते हैं। अगर हम बोरिक एनहाइड्राइड को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यह सोडियम बोरेट बनाता है प्लस वाटर बनाता है। वहीं अगर हम SiO2 या फिर कहें सिलिका को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो यह सोडियम सिलिकेट सॉल्ट और वाटर फॉर्म करता है। बोरॉन और सिलिकन दोनों के ही हैलाइड्स हाइड्रोलाइज होकर हमें करिस्पोंडिंग एसिड्स देते हैं, जिनको हम इस रिएक्शन से देख सकते हैं कि BlCl3 हाइड्रोलाइज होकर हमें बोरिक एसिड देता है, वहीं SiCl4 हाइड्रोलाइज होकर हमें
सिलिकिक एसिड देता है। बोरॉन और सिलिकन दोनों के कार्बाइड्स बहुत ही हार्ड सब्सटेंस होते हैं और काफी लाइट वेट होते हैं, इसीलिए हम इनको बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनाने में यूज करते हैं। चलिए हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं। हमने इस टॉपिक में ग्रुप 13 एलिमेंट्स के एटॉमिक साइज में ट्रेंड्स की बात करी, जो कि कुछ इस तरह से होता है। वहीं आयनाइजेशन एंथैल्पी में ट्रेंड कुछ इस तरह से मिलता है। यदि हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ट्रेंड की बात करें तो वह हमें कुछ यह मिलेगा। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स बनाते हैं, जो कि हमें कुछ इस तरह से मिलते हैं। इसमें बोरॉन का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, जबकि एल्युमिनियम और गैलियम के ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक नेचर के होते हैं, और इंडियम और थैलियम के ऑक्साइड्स बेसिक नेचर शो करते हैं। यदि हम बोरॉन के ट्राई हैलाइड्स में एसिडिक नेचर की बात करें तो उसका ऑर्डर हमें कुछ यह मिलता है। यदि हम ग्रुप 13 एलिमेंट्स के रिएक्शन की बात करें तो ग्रुप 13 के एलिमेंट्स एयर के साथ रिएक्ट करके हमें E2O3 टाइप के ऑक्साइड्स और EN टाइप के नाइट्राइड्स देते हैं। यदि हम इन नाइट्राइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो ये हमें हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस देते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स नॉर्मल या फिर कोल्ड वाटर के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करते हैं, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके हमें ऑक्साइड्स और हाइड्रोजन गैस देते हैं। ग्रुप 13 के एलिमेंट्स बेस के साथ रिएक्ट करके हमें सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस देते हैं। वहीं इस ग्रुप के एलिमेंट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके करिस्पोंडिंग सॉल्ट्स और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। इस ग्रुप में केवल बोरॉन और एल्युमिनियम कार्बन के साथ रिएक्ट करके कार्बाइड्स फॉर्म करते हैं, और अगर हम एल्युमिनियम कार्बाइड को हाइड्रोलाइज करें तो हमें एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड और मीथेन गैस मिलता है। एलिमेंट्स हैलोजन्स के साथ रिएक्ट करके हमें ट्राई हैलाइड्स और हाइड्रोजन हैलाइड्स देते हैं। यदि हम इन ट्राई हैलाइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमें करिस्पोंडिंग हाइड्रोक्साइड और हैलो हैलाइड्स मिलते हैं। अब तक पढ़े हुए कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।